ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, पर लेट हो रहा है इंटरव्यू के लिए। अच्छा अच्छा, आप आए हैं इंटरव्यू के लिए? हाँ जी सर, मैं ही आया हूँ। कोई बात नहीं, बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम ना शिवम है। एक मिनट, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो लगता है जैसे मछली की बदबू है। लेकिन मेरे ऑफिस में मीट मछली की बदबू कैसे आ सकती है? कहीं आप मछली उछली खा के तो नहीं आए हैं? अरे नहीं नहीं सर, मैं भला मछली क्यों खाऊंगा, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। आपको गलत फहमी हो गई है। फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? एक काम कीजिए, आप पीछे टर्न लीजिए। तो अरे ये क्या, आप मेरे ऑफिस में मछली लेके आए? छी छी छी, कितने नीच आदमी हैं आप। मैंने ऑफिस के बाहर वार्निंग लिख दिया है कि मेरे ऑफिस में कोई भी स्टाफ नॉन वेजिटेरियन नहीं चाहिए, और आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे ऑफिस में मछली लेके आए हैं? मुझे आप जैसे कैंडिडेट की कोई जरूरत नहीं, चले जाइए। अरे सर मुझे नहीं पता ये मछली मेरे पीछे कैसे आ गई, पता नहीं किसने टांग दी। देखिए ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कीजिए, मछली आपके पिछवाड़े में कैसे आ गई वो भी आप लटका के लाए हैं। अरे मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, आओ। सर मेरी बात का विश्वास करो, मुझे नहीं पता ये मछली कहाँ से आई, मेरे को नौकरी से मत निकालिए। अरे सर क्या बात है भाई। देखो यस, हमारे ऑफिस में ये कैंडिडेट मछली लेके आया है, और तुम्हें तो पता ही है हमारा ऑफिस और टोटल स्टाफ वेजिटेरियन है, फिर इसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये मछली टांग के ऑफिस में आ गया। इसको भगाओ यहाँ से। छी, निकल यहाँ से, जब सर को नहीं पसंद निकल, अभी निकल यहाँ से। सर अरे निकल, सर मेरी बात, अरे निकल ना। नालायक सब, राम राम राम, मुझे गंगा स्नान करने हरिद्वार जाना पड़ेगा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। अच्छा हुआ कि ये यहां से चला गया, अब इसको क्या पता कि ये पूरा प्लान मेरा था। क्या तुम्हारा पति मेरी कंपनी में आ रहा है इंटरव्यू देने? यार ये तो सही में ही दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं क्या करूं। तुम एक काम करो, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ना तुम बस वैसा वैसा करो, बाकी मैं देख लूंगा, उसको अपनी कंपनी में पास ही नहीं होने दूंगा इंटरव्यू में। इसको तो मैं देखता हूँ अब।